ये मेन यहाँ से बाहर करना चाह रहा है कुछ ऐसा। एक लोहे का गेट है, डबल गेट होता है यहाँ पर। यहाँ पीछे पीपल का पेड़ है, ठंडी हवा आ रही है, पलक बहुत सारे लगे हैं यहाँ पर। तो स्पेस तो है गाड़ी खड़ी करने के लिए। पर नई नई सफेदी हुई है जिसने भी लिया है। ये बालकनी हो गई भाई, ये नीचे डोर दे रखे है भाई। ये अलमारी फिटेड है, यहाँ पार्क भी है सामने खेलने के लिए। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, आपके ब्लॉग में फिर से एक नया स्वागत है। इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं मोतीबाग का क्वार्टर जो कि है दिल्ली में, दिल्ली न्यू दिल्ली 21 में लगता है। मोतीबाग का क्वार्टर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आज, जो कि है गवर्नमेंट क्वार्टर, जो भी जॉब पे होता है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो दिखाता हूँ नज़ारा आप लोगों को, मोतीबाग का एरिया है। चलिए देखते हैं, वीडियो बने रहना, क्वार्टर जिसको भी लेना है आओ देखो पसंद करो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों ये बैल से, ये बैल है इनकी। और ये है मेन गेट, ये देखो जाली वाला गेट है। और एक लोहे का गेट है, डबल गेट होता है यहाँ पर कुछ ऐसा क्वार्टर घुसते ही। ये ऊपर पंखा लगा है, ये मीटर है बिजली का। ये सामने रसोई है, ये टैल लगी है सभी। ये लाइट में उड़ते खिड़की इतनी सारी, ये देखो यहाँ पीछे पीपल का पेड़ है, ठंडी हवा आ रही है जिससे। और ये ऊपर ये देखो मेन साइड, ये मेन जिस मेन गेट है ये जहाँ से एंट्री की है। ये नीचे जगह इतनी मिल जाती है आप लोगों को, ऊपर टांड वगैरह भी है ऊपर फालतू सामान रखने के लिए। ये देखो मीटर कुछ ऐसा है, ये प्लग है पंखे वगैरह के, बिजली का बोर्ड दे रखा। ये लाइट है, ये बेल है, सब ऐसा लुक है भाई मोतीबाग का है ये क्वार्टर। ये देखो एग्जिट फैन है, एग्जिट फैन जो बोलते हैं जिससे धुआं निकलता है रसोई से। ये देखो रसोई ऐसी है, दिखा देता हूँ रसोई का नज़ारा। अभी अंधेरा हो रखा है, इसमें लाइट नहीं जली है। देखो बल्ब लगानी हुआ है, कुछ ऐसी रसोई है भाई। काश तो मैं नजर आ जाए साफ, मुझे तो आ रहा है। ये देखो ये फैन लगा है, खिड़की है। ये पानी की टोंटी लग जाएगी यहाँ पर सिंक है। ये नीचे डोर दे रखे हैं भाई, ये देखो इतने सारे डोर है फालतू सामान रखने के लिए रसोई वगैरह का। कैसे दिखती है रसोई दिखाते हैं, कमरे कितने बड़े। ये देखो रसोई के बिल्कुल जस्ट बगल में कमरा है, और कमरा ऐसा है, टैल वैल सब लगाई हुई है क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर है। ये देखो पलक आ गया, पलक बहुत सारे लगे हैं यहाँ पर टीवी वगैरह लगाने के लिए आप लोगों को। ये सामने खिड़की आ गई, ये देखो ये गेट है, यहाँ से घुसाता मैं। और ये इसके साइड में कुछ इतने दो दे रखे हैं यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे पलक दे रखा है, कुछ ऐसा लुक आता है। ये देखो इधर से ये अभी कबाड़ पड़ा है, ये साफ आई होने के बाद एक नंबर का लगेगा क्वार्टर। यहाँ पर नई नई सफेदी हुई है जिसने भी लिया है ये मोतीबाग में। ये देखो ऊपर नया पंखा लगा है, बिजली वो बल्ब के लिए ऐसा लुक है यहाँ पर लगाया जाता है, ये बड़ी ट्यूबलाइट के लिए। ये तार लग रहा है बार बार आवाज कर रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल है भाई। ये खिड़की है मेन, यहाँ से बाहर करना चाह रहा है कुछ ऐसा है, ये देखो। और ये इस कमरे के बगल में दूसरा गेट लगा है, दीवार से कनेक्ट है, जो इसमें हम गेट खोल के दूसरे रूम में जा सकते हैं ऐसा है। ये मेन है कमरे का, और ये दूसरा है गेट, खोलते इसको। इधर का दिखाता हूँ, रोशनी आ जाएगी। ये देखो ये बालकनी हो गई भाई, ये बालकनी होगी, ये शीशे लगे ऊपर, ये जाली वाली खिड़की लगी है, कांच वाली खिड़की इसके पीछे है, कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे बीवी है, एमसी वगैरह दे रखी है एसी वगैरह के लिए, अगर आप एसी लगवाते हो यहाँ पर तो। यहाँ पर ये प्लग दे रखा है, कुछ ऐसा माहौल है भाई, ऐसा कमरा ही। ये देखो ये मेन गेट है कमरे का, दूसरे कमरे का। ये है खिड़की, वो अलमारी, ये अलमारी फिटेड है यहाँ पर आप सामान रखने के लिए। देखो
कितने खाने हैं इसमें, 1 2 3 4 चार खाने हैं। अलमारी के ऊपर भी सामान रख सकते हैं आप लोग, अलमारी में बंद हो जाती है, चाबी है अलमारी की, अभी यहीं रखी होगी इधर उधर। ये देखो चाबी वगैरह रखी है, ये पलंग यहाँ पर भी दे रखा है, ये पंखे के लिए और ये बिजली के लिए। इसमें नया पंखा लगाया, नई सफेदी वगैरह सब चमका के, मोतीबाग का क्वार्टर है, किसी ने लिया है उसको दे देंगे, कुछ ऐसा है। आप भी आओ लो, मोतीबाग में साफ सुथरा है एरिया यहाँ का। ये देखो दूसरे कमरे में फिर से आ गया मैं, और दिखाते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा। ये देखो बाहर के खटके है, ये लाइट वगैरह के, इधर वॉशरूम पड़ जाता है। देखो इधर रसोई है, इधर कमरा है, और इधर मेन गेट में घुसते ही, ये देखो मेन गेट है, मेन गेट में घुसते ही लेफ्ट साइड में कमरा है, और इधर रसोई के बिल्कुल साइड में वॉशरूम है। काम चल रहा भाई, काम कर रहा है। ये बाथरूम ऐसा है भाई, ये देखो फुहारा वगैरह भी लग जाएगा आप ये लगवाना चाहोगे तो। ये देखो ये टंकी 3-4 लग जाएगी यहाँ पर, सुबह शाम पानी आता है। इतना बड़ा बाथरूम है भाई, ये देखो साबुन वगैरह रखने के लिए। ये देखो इसमें भी है गीजर वगैरह लगवाना हो आप लोगों को, ऐसा कटका एमसी वगैरह। देखो यहाँ पर भी फिटेड पाइप वगैरह, कुछ ऐसा माहौल है, काम चल रहा है टॉयलेट सीट का। यहाँ पर पीछे ये देखो ऐसा कचरा भरा है यहाँ पर, कुछ ऐसा लुक आता है। ये रसोई के बगल वाला कमरा है, ये रसोई है, ये कमरा है, ये सामने शीशा लगा है। देखो इधर भाई काम कर रहा है, कुछ ऐसा है भाई, ऐसा नजारा है। ये देखो यहाँ पर पानी निकलने के लिए गैलरी में ये लगा है सिंक छोटा सा, ये सफाई होने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। अभी इसमें कचरा पड़ा है सब। दोस्तों यहाँ की बालकनी दिखाता हूँ, बालकनी बहुत छोटी है यहाँ पर। देखो ये बालकनी है, इतनी छोटी है, सामने का नजारा है बालकनी से बाहर का, छोटी सी बालकनी है, बाहर आके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 3 बंदे खड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसी है, ये डिवाइड हो रखी है, मतलब कुछ ऐसा नजारा है। और यहाँ पर एक ही जीना है, सभी बंदे इधर से जाते हैं। ये हमारा मतलब ये जो क्वार्टर जो मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, और ये पड़ोसी होगा, एक ही जीना है। ऊपर छत दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी नज़ारा है। ये देखो वैसे बालकनी बहुत छोटी है, अगर गेट बंद हो जाएगा, गेट खुला है इस वक्त, और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ऐसा लुक है भाई यहाँ पर। ये देखो कैडी धूप निकली हुई है, छत दिखाता हूँ आप लोगों को जीना चढ़ के। ये देखो पड़ोसी के सामान रखा है यहाँ पर, कितने सारे अखबार, होल्डिंग खड़ा है किसी का, छत दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कितना गंदा हो रखा है, ये इसे दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी छत है भाई, ये जाले वाले लग रखे यार, मुंह पे लग जाएंगे अगर आगे जाऊंगा तो। ये देखो ये गेट है, ये साफ होने के बाद थोड़ा ठीक लगेगा, कुछ ऐसा है। ये छत है भाई, इतनी बड़ी छत है, ऊपर से ऐसा नजारा है। ये देखो मटके वटके पड़े हैं भाई, ये पीछे की तरफ भी छत है भाई। ये देखो टंकी वगैरह लगी है ना टंकी वगैरह, कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे का, ऐसी छोटी सी छत पीछे भी है, ये दीवार है बीच में बस। ये पड़ोसी हो गए उस तरफ, किसी का क्वार्टर होगा जो भी है। नीचे दोस्तों स्पेस तो है गाड़ी खड़ी करने के लिए, देखो लोगों की खड़ी है, और एक गाड़ी निकल भी जाएगी। देखो इतना बड़ा मतलब चौड़ी रोड है, मतलब ब्लॉक के सामने, घर के सामने ऐसा कुछ है। ये देखो
सभी की खड़ी है गाड़ी, तो निकल जाएगी मेरे ख्याल से। पतला सा ये पार्क भी है सामने खेलने के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। सामने के ऐसे ब्लॉक है, कुछ ऐसा नजारा भाई। और ये सामने मेन गेट आ गया। तो दोस्तों क्वार्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जिसे भी क्वार्टर चाहिए आकर लो, ऑनलाइन भरो, जो भी गवर्नमेंट जॉब पे बोलो, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं मेरे चैनल पे। आज का व्लॉग इतना ही, धन्यवाद।